तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 15 के प्राइस में आने वाले टॉप 5 ऑलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में। फ़ोन में मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4GB से लेकर 6GB तक का रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज। और अच्छी बात है कि इसमें 5 अलग अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ननचाइनीज स्मार्टफोन होगा और एक स्मार्टफोन के अंदर 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सभी स्मार्टफोन के अंदर एक पावरफुल चिपसेट दिया गया है, जिसमें अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको 15G के प्राइस में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन के अंदर सबसे बेस्ट फीचर दिया गया है आपके अकॉर्डिंग, और आप भी 15G के प्राइस में एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के डेली टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो 5वें नंबर का स्मार्टफोन है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, और जो पहले नंबर पर स्मार्टफोन है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना है, कौन सा स्मार्टफोन आपको नहीं लेना है और कौन सा स्मार्टफोन के अंदर सबसे बेस्ट फीचर दिया गया है। और मेरे लिस्ट में 5वें नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी M32, और ये स्मार्टफोन उन कस्टमर के लिए जिनको कि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, जिसके साथ में काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, एक अच्छा चिपसेट भी दिया गया है। और चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस सुपर मेट का डिस्प्ले दिया गया है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश का सपोर्ट फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, जिसके साथ में एक अच्छी ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, और आउटडोर भी अगर फोन को यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए आपको मीडियाटेक हेलियो G80 का चिपसेट दिया गया है, और ये एक गेमिंग चिपसेट है, जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो लो सिटी में जाके गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, और वही 2-2 मेगापिक्सल का बेकार लेंस यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कैमरा भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको कि चार्ज करने के लिए 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। इसकी प्राइस 4GB प्लस 64GB की प्राइस 15,000 है, लेकिन इस स्मार्टफोन को ऑफर्स वगैरह में आप परचेस करते हैं तो इस फोन के व्यू पर 1-2 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में यह स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए बन सकता है, क्योंकि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है। इसके अंदर आप हाई ग्राफिक्स का गेम तो आप नहीं खेल सकते, लेकिन इसके अंदर लो सेटिंग में जाके आप कोई भी गेम को बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। हालांकि इतने प्राइस के अंदर आपको मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, और इसी वजह से इसको 5वें नंबर पर इस स्मार्टफोन को हम अपने लिस्ट में रखे हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको कि 15,000 के प्राइस में ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। आप अपने फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मेरे लिस्ट में 4थे नंबर पर है पोको M3 प्रो 5G। तो दोस्तों अगर आपको 15G के प्राइस में एक 5G लास्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को जरूर से आप कंसीडर कर सकते हैं। 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले के अंदर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी, आउटडोर भी अगर फोन को यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमंड सिटी 700 का एक न्यू चिपसेट दिया गया है, और ये चिपसेट कंप्लीट 5G मोडेम के साथ में आता है, और जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो आप हाई ग्राफिक्स का गेम काफ़ी स्मूथली और लैग फ्री कर पाएंगे। रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, 48+2+2 मेगापिक्सल्स का। सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कैमरा में नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। साथ में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको कि चार्ज करने के लिए 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, डुअल ऐप का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इसकी प्राइस 4G प्लस 64G की प्राइस 14,499 रुपये है, लेकिन इस स्मार्टफोन का ऑफर्स वगैरह में आप परचेस करते हैं तो इस फोन के व्यू पर 1-2 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इस प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, और ये स्मार्टफोन उन कस्टमर के लिए जिनको कि 15G के प्राइस में एक 5G वाला स्मार्टफोन चाहिए। और दोस्तों अब जो स्मार्टफोन के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके अंदर एक पावरफुल चिपसेट दिया गया है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। साथ में कैमरा काफ़ी कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ में एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी इमेज वगैरह आप कैप्चर कर पाएंगे।
और मेरे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रियलमी 8। तो दोस्तों, अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन को जरूर से आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस सुपर मेट का डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हेलियो G95 का एक पावरफुल चिपसेट गेमिंग लगा है, जिसके साथ में गेमिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली और लैग फ्री आप कर पाएंगे, जिसके साथ में आप हाई ग्राफिक्स के गेम काफ़ी स्मूथली कर सकते हैं। रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 64 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। रोही 2 MP का बेकार सेंसर यहाँ पे दिया गया है। साथ में आपको 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको कि चार्ज करने के लिए 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कि इस फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का देखने को मिल जाता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं इसकी प्राइस 4GB प्लस 128GB की प्राइस 15,999 रुपये है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आप ऑफर से बगैर में आप परचेस करना चाहते हैं, इस फोन के भी ऊपर 1 से 2 हज़ार तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में ये भी स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए बन जाता है, क्योंकि इतने प्राइस के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और ये स्मार्टफोन उनके लिए है जिनको कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए 15G के प्राइस में। और मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रेडमी नोट 10S। ये स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। 6.43 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हेलियो G95 का एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट इस फोन के अंदर लगा है, जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो आप हाई ग्राफिक्स के गेम काफ़ी स्मूथली और लैग फ्री कर सकते हैं, या फिर डे टू डे यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 64 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, और वही 2 MP का इस फोन के भी अंदर सेंसर दिया गया है। साथ में आपको 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, और इस फोन के साथ में एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी इमेज वगैरह कैप्चर कर पाएंगे। इसके अंदर लो लाइट सेंसर दिया गया है। OIS का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिससे वीडियो वगैरह बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिली, जिसको कि चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है, और साथ में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है। और इसकी प्राइस 4GB प्लस 64GB की प्राइस 15,000 है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आप ऑफर से वगैरह में आप परचेस करना चाहते हैं तो इस फोन के भी ऊपर 1000 का डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाता है, जिससे ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए बन जाता है। और मेरे लिस्ट में पहले नंबर पर है मोटो G60। और ये स्मार्टफोन उन कस्टमर के लिए जिनको कि फ़ोन के अंदर कुछ भी ब्लॉटवेयर नहीं चाहिए, एक बिल्कुल क्लीन यू का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, कुछ भी ब्लॉटवेयर, कुछ भी एड्स वगैरह फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और समय समय पर फ़ोन के अंदर अपडेट भी आपको देखने को मिलते रहता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर एक बड़ी 6.78 इंचेस का फुल एचडी प्लस 120Hz का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दिया गया है। आउटडोर भी फ़ोन को यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट दिया गया है, और एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर डे टू डे यूजेज में कुछ भी करना चाहते हैं या फिर कुछ हैवी टास्क वगैरह आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और इस फ़ोन के साथ हाई ग्राफिक्स के गेम काफ़ी स्मूथली और लैग फ्री कर पाएंगे। रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन सेंसर है 108 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, और 2 MP का डेप्थ सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है, जिसके साथ में एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी इमेज वगैरह आप कैप्चर कर पाएंगे। OIS का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लो लाइट सेंसर दिया गया है, जिससे रात में भी अच्छी वीडियो और अच्छी इमेज वगैरह आप कैप्चर कर पाएंगे। साथ में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको कि चार्ज करने के लिए 20 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और इसके साथ में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट दिया गया है। वहीं इसकी प्राइस 6GB प्लस 128GB की प्राइस 16,500 है। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन को आप ऑफर्स वगैरह में आप परचेस करना चाहते हैं तो इस फोन के भी ऊपर 1 से 2 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है कभी कभार, जिससे यह स्मार्टफोन इस प्राइस के अंदर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए बन जाता है। इसके अंदर भी कुछ भी ब्लॉटवेयर, कुछ भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं।
और एक बिल्कुल क्लीन न्यू का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों जो 5 स्मार्टफोन के बारे में हम बात किए हैं उसमें से कौन सा स्मार्टफोन आपको सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।